उन लोगों को इंसानियत से कोई दिलचस्पी नहीं होती जो किसी का माल वैसे चोरी करने में अपना को बड़ापन समझते हैं। हेलो गाइस, क्या हाल है? यस है, उम्मीद है ठीक ठाक हो गए। तो गाइस, मोइन जुबैर ऑफिशियल की एक वीडियो है, उसमें इब्राहिम हक ने किरण जौहर को क्या बोला है, बहुत सख्त बोला है, तो देखें फिर स्टार्ट करते हैं। आपका जो एक गाना चोरी हुआ था भारत में, नच पंजाब, करण जौहर साहब की फिल्म थी, उसमें आपने कहा था कि इसका जो मुआवजा है वो मुझे दिया जाए। अब पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, जो आप रिलीफ का काम कर रहे हैं, उन्होंने शायद आपको अब तक मुआवजा दिया नहीं। आप इस प्लेटफॉर्म से उनको कुछ कहना चाहेंगे कि वो मुआवजा दे, ताकि हम कम से कम रिलीफ के कामों में, सैलाब जदगान के लोगों को रिलीफ वर्क में काम वो पैसा डाल सकें। एक तो वो इतने अच्छे नहीं है कि उस बात पे मुआवजा दे देंगे, ठीक है। दूसरी बात बनता है ना, दूसरी बात यह है कि मुआवजा उनका बाप भी नहीं दे सकता, क्योंकि एक चीज़ मैं उनको बेचना ही नहीं चाहता, तो मुआवजे वाली कौन सी बात है, ठीक है ना। मुआवजा बात की बात है, वो इम्पोर्टेंट नहीं था। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाउ डेयर कि मेरी मर्जी के बगैर मेरी एक कोई चीज़ यूज़ कर ले, ठीक है। मैं आपकी गाड़ी चुरा के ले जाऊँ तो आप कहीं यार मेरा मुआवजा तो मुझे दे दो, वही तुम गाड़ी बेचना ही नहीं चाहते तो मैं क्यों दूँ। मैं उसको इंडिया को नहीं गाना बेचना चाहता था, जबरदस्ती ले लेंगे वो, उनको शर्म आनी चाहिए पहले तो इस बात। दूसरा, मैंने उनके ऊपर केस किया हुआ है, तो मुआवजा शुआवजा नहीं, मैं उनके पेट में से हाथ डाल के उसको फाड़ के उसमें से निकालूंगा, क्योंकि उन्होंने ज्यादती की है। मैंने उसको गाना नहीं बेचा, उन्होंने क्यों किसी और से तीसरे बंदे से खरीद लिया गाना। और जो तीसरा बंदा है वो दो नंबर नहीं है, कोई चार नंबर आदमी है वो। उसने सिर्फ मेरा नहीं, उसने बाकी एक लाइन लगी हुई है, आप अली जफर के गाने उसने किए हैं, उससे पूछ लें, हुमैरा के नहीं, वो शाजिया मंजूर के गाने हैं, फिर उसके बाद और लोग हैं, जवाद अहमद को ले लें, वो उसके भी किए हैं उसने अपलोड, नजायज, कोई राइट्स नहीं लिए हुए। और डंके की चोट पे कटता जा रहा है कि जी यार यहाँ पे आके किसने करना है केस मेरे पे, तो केस करना ही बड़ा महंगा है, तो पाउंड्स में लॉयर्स फीसें लेते हैं, और कमाता जा रहा है, और इतना कमा चुका है कि अभी उसने रिसेंटली 30 मिलियन पाउंड का घर बनाया वहां पे उस बंदे ने। तो ये जुल्म है पाकिस्तानी गानों से। ऑफ कोर्स वहां पे तो आपको पता है रॉयल्टी मिलती है सीधी सीधी, तो रॉयल्टीज लेके सिर्फ हमारे गानों से, हम सब लोगों के, सिर्फ मेरे नहीं, तो उसने 30 मिलियन पाउंड्स का एक घर खरीदा उस बंदे ने, तो खरीदे मेरी तरफ से 100 मिलियन का, लेकिन जायज पैसों से खरीदे। सो इन लोगों को इलाज करना चाहिए इनका, और मैं बाकी फनकारों से भी कहूंगा केस करें, इनको छोड़ना नहीं है इनको हमने। अच्छा, वो आपका करण जौहर ने भी नाम दिया नीचे, फिर उसके बाद जो फिल्म के हीरो हैं उसने भी एडमिट किया कि जो असल गाना है इब्राहिम साहब ने गाया था वो ज़बरदस्त गाया था, तो वो अपने नहीं तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मकसद तो ये है ना कि आप लोगों ने जो ऑनलाइन अर्निंग की है, रेवेन्यू जनरेट की है, वो आप लोगों को मिले। आपका भी मकसद 60 मिलियन के करीब, काफ़ी हफ्ता पहले तो 60 मिलियन के करीब व्यूज थे, उससे ज़्यादा, तो 60 मिलियन की अर्निंग देना, वो हम सलाजत गान को दे देते हैं। हाँ, ये जबरदस्त। और क्या, चलिए जबरदस्त। आपको यही खबर चाहिए थी, और ये तो हम करते रहते हैं इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये खबर इसलिए मेरे ज़हन में आया कि अच्छा। जब आपने, आपसे मैंने ये, लेकिन वो सवाल, उन लोगों को इंसानियत से कोई दिलचस्पी नहीं होती जो किसी का माल वैसे चोरी करने में अपना को बड़ापन समझते हैं। इन लोगों से एक्सपेक्ट ना किया करें, इनसे छीन के निकलवाएं पड़े। तो बात ये देख लें, इब्राहिम हक की आपने बात सुनी है, भाई बहुत गुस्से में है, कह रहे हैं कि मैं पेड़ पाड़ के भी अंदर से अपना हक लूंगा। बात उनकी भी राइट है, उनसे पूछा नहीं, परमिशन नहीं ली, माल उनका, मोजे कोई और मारे, हलवे कोई और खा रहे, इस तरह नहीं चलेगा। और उन्होंने कह के, वो कह रहे हैं कि इतना महंगा और लॉयर की इतनी ज्यादा महंगी फीस है तो कौन मेरे पे केस वगैरह करेगा। फिर उन्होंने बोला कि इतने मिलियन व्यूज हैं और ये कमा रहे हैं, तो हम इब्राहिम हक तो बड़ा पापी चूलू है, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो बात उसकी राइट है भाई, हक उसका बनता है, चीज उसकी है, आप उसके बिना पूछे आप यूज कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप हमें बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं।